बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे, अपा दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। वे रोने चिल्लाने लगे। गुरु उन्हें छोड़कर जा रहा था, उनका दुखी होना तो स्वाभाविक था, और गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक रहा था, और वो सभी उस आदमी से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी आभा, उनके खिंचाव से प्रेम करते थे। वह उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी भी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वह ना केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी वह सबसे सुंदर पुरुषों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, चलना, सोना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी ताजे खिले कमल के फूल को देखना, पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति। और वे सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था, तो वो सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ये रोना धोना बंद करो। और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था, तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूं कि जिस घटना को आज तुम सब एक श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहां था तो तुम्हारी खुद से ज्यादा मुझ पर दिलचस्पी थी। हालांकि मैं लगातार तुमसे कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब जब मैं यहां ना रहूंगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वह चले गए, तो फिर बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है, और अब क्या देखा जा सकता था? बुद्ध के जाने के बाद ना तो कुछ सुनने लायक बचा था और ना ही कुछ देखने लायक। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। पर क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे, तो पहली बार हमने उनकी आवाज अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे, तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल्पना डालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनके करिश्मों में ही मुग्ध रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना पड़ गया। शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था।